नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का सीजन आ गया है। स्ट्रॉबेरी से बहुत सी रेसिपी बनती है, जैसे जाम, क्रश, शरबत। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ अलग सी रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है फ्रेश स्ट्रॉबेरी पाई। सबसे पहले एक बोल में 80 ग्राम रूम टेम्परेचर का बटर लेकर बीटर से बीट करेंगे। दो मिनट बीट करने के बाद इसमें 120 ग्राम आइसिंग शुगर छान कर डालेंगे, फिर दोबारा बीट करेंगे। दो सौ ग्राम मैदा और 1/4 + 1/8 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर हाथ से मिक्स करेंगे। दोस्तों, इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद रूम टेम्परेचर का दूध लेंगे। देखिए डो तैयार है। अब डो को दो भाग में बांट लेंगे। आधा को साइड में रखेंगे और आधा का बोल बनाकर इस तरह पाई टीन में फैलाएंगे। पाई टीन में पहले से ही बटर पेपर लगा दिया है। मेरा पाई टीन 7 इंच का है, आप 6 इंच में भी बना सकते हो। देखिए मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब फोक की मदद से इस तरह होल करेंगे ताकि ये फूले नहीं। अब इसे प्री हीटेड ओटीजी में 180 डिग्री पे 10 मिनट तक बेक करेंगे। जब तक पाई बेक हो रही है, तब तक करते हैं फिलिंग की तैयारी। फिलिंग के लिए मैं ले रही हूँ 100 ग्राम वेनिला केक बेस का क्रम्बल, 100 ग्राम चीनी, 50 ग्राम बटर, 50 ग्राम टूटी फ्रूटी, 50 ग्राम मिक्स नट्स, 2 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरी चॉप की हुई। अगर आप चाहो इसमें 1 चम्मच सिनामिन पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब गैस पे एक पैन रखेंगे और उसमें डाल रही हूँ चीनी और बटर।
देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी और इसमें पकाएंगे। देखिए 5-6 मिनट पकने के बाद ये एक क्रस्ट जैसा हो गया है। अब गैस को करते हैं बंद और इसे होने देते हैं ठंडा। लगभग 10 मिनट में पाई बेक होकर तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर की पट्टियां बनाते हैं। जो बाकी का बचा हुआ डो था उसे इस तरह बटर पेपर पर रखकर रोल आउट करेंगे। अब पिज्जा कटर से इस तरह पतली पतली पट्टियां काटेंगे। देखिए पट्टियाँ बना ली है, इसे रखते हैं साइड में। फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है, अब इसमें मिक्स नट्स डालेंगे। मैंने काजू बादाम पिस्ता लिए है, आप अपनी इच्छा से कोई सा भी नट्स ले सकते हो। टूटी फ्रूटी, और केक का क्रम्बल डालकर मिक्स करेंगे। फिलिंग तैयार है। अब बेक पाई पे इस तरह फिलिंग को फैलाकर पट्टियां से इस तरह कवर करेंगे। कवर कर लिया है, अब इसे 10 मिनट तक और बेक करेंगे।
देखिए अच्छे से बेक हो चुकी है और थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है। अब करते हैं डीमोल्ड। देखिए इजीली डी मोल्ड हो चुकी है। फ्रेश स्ट्रॉबेरी पाई खाने को तैयार है। दोस्तों ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। आप एक बार जरूर ट्राई करिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।